So as we are discussing okay, so as we are discussing, a planet is there which is revolving in a circular orbit in a uniform circular motion. Uniform means the speed jo hoga, that is nothing but the velocity. Speed and velocity mein difference humne dekha hai. Speed is nothing but the distance which is covered or whatever the actual path we have followed. तो यहाँ पे पाथ भी वही है एंड स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन भी हम वही कंसिडर करने वाले. इसीलिए हम स्पीड एंड वेलोसिटी द मीनिंग हियर वी हैव टू कंसिडर द सेम थिंग. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग. ठीक है, फ्रॉम मास ऑफ एन प्लैनेट एम हुज रेडियस दैट मींस डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज आर दैट इज रेडियस एंड ही इज द वेलोसिटी. वी नो दैट द स्पीड और वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है, कितना डिस्टेंस कवर करने वाला ये प्लैनेट, दैट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू देयर पेरिमीटर. सो पेरिमीटर हम कंसीडर करेंगे, दैट इज नथिंग बट अ ट्वाइस पाई आर. ठीक है, सो सेंट्रीपेटल फोर्स जो सेंटर से एक्ट होने वाला है इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये फोर्स क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे आपको वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जस्ट रिमेम्बर, आपको पहले फोर्स लिख लेना है, सेंट्रीपेटल फोर्स विच इज एक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑन दैट प्लैनेट, सो दैट ड्यू टू द फोर्स only this planet is revolved in a particular orbit. ठीक है, so that force is nothing but the mv square upon r. तो यहाँ पे v की value that is nothing but the speed और velocity is distance upon time. तो planet कितना distance cover करेगा, that is equal to its perimeter of that circular orbit. तो circular orbit का perimeter कितना हुआ, twice pi r. clear, that is nothing but the twice pi r. ठीक है, एंड टाइम कितना लगेगा, दैट इज इक्वल टू देयर पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, दैट इज कंसीडर एज अ टी. ठीक है, सो पुट दैट वैल्यू इन द वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर दैट इज ट्वाइस पाई आर अपॉन टाइम दैट इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन दैट इज द टी. सो यू विल गेट दिस इज सेकंड इक्वेशन. दिस द फर्स्ट इक्वेशन फोर्स. तो यहाँ पे हमें वी की वैल्यू मिल गई है. व्हाट इज दैट फोर्स, दैट फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ पे हम वी स्क्वायर वैल्यू पुट कर सकते हैं, एम मल्टी इन ब्रैकेट वी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ट्वाइस पाई आर अपॉन टी इसका भी स्क्वायर आएगा. एंड अपॉन यहाँ पे क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है एज इट इज, यहाँ पे हम आर एज इट इज लिखेंगे. ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं, एम मल्टीप्लाई बाय टू का स्क्वायर फोर. हर एक यहाँ पे कंसेप्ट का हमें स्क्वायर करना है, टू का स्क्वायर फोर देन पाई स्क्वायर देन आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एंड ये अपॉन आर एज इट इज. Clear? This one r is get cancelled with this square. What is the remaining? This force is nothing but is equal to 4 m pi square upon r upon t square. Clear? From the third law of Kepler's third law, what is the relation that we know already? What is that? Third law. T square means दिखाई नहीं दे रहा है. R cube. ठीक है, t square. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पे लिखती है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब. यहाँ पे हमें आर क्यूब करना है, यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास टी स्क्वायर है. ठीक है, टी स्क्वायर है, हमें यहाँ पे आर क्यूब करना है, इसलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर. क्या करना है, आर ऑलरेडी हमारे यहाँ इक्वेशन में है, इसलिए सिर्फ हमें आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. तो जहाँ पे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट विल बी गेट इज इक्वल टू फोर एम पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इनटू आर दैट इज आर क्यूब एंड डिवाइड बाय
टी स्क्वायर अगेन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, बराबर है? यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे आर स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, दैट इज नथिंग बट द आर क्यूब, एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दैट्स व्हाई हियर टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर है? फ्रॉम दैट वैल्यू व्हाट इज द इक्वेशन, सी हियर दैट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू सी 4 एम पाई स्क्वायर, ओके हम सिर्फ को सेपरेट कर लेते हैं, अपॉन ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये आर क्यूब अपॉन ये टी स्क्वायर. क्लियर है? सिर्फ उसी इसमें थोड़ा सा सेपरेट किया, वो एज इट इज इक्वेशन, इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है? वहां पे हमने थोड़ा सेपरेट किया, ये सब क्या हुआ, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, वी हैव द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन अगर हम चेंज करेंगे, सिंपल देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट कैंसिल किया, कॉन्स्टेंट लिया के मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, k is equal to t square upon r cube. t square upon r cube is nothing but k. That is nothing but a constant. Value is k. k की वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है. That is nothing but a constant. So t square upon r cube. We have value of t square upon r cube, constant value. लेकिन और k value we can say that that constant nothing but here we can consider as k. Okay. लेकिन यहाँ पे हमें value क्या है? r cube upon t square, t square upon r cube की k value है, तो r cube upon t square की value क्या है, 1 upon k, ठीक है? So we can put here 4 m pi square upon r square multiplied by 1 upon k. यहाँ पे constant क्या क्या term है, 4 is the constant, okay, m mass of that planet remains constant, pi की वैल्यू 3.14 दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट 1 अपॉन k वैल्यूज इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. ये सब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, ये सब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ. व्हाट इज द रिमेनिंग, दैट फोर्स f इज इक्वल टू 1 अपॉन ये r स्क्वायर, मींस दैट फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज रिवॉल्वड इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन अराउंड द एनी मटेरियल, दैट फोर्स द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सोर्स, दैट इज नथिंग बट द सन. तो यहां पे हम ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, what we call here inverse square law or inverse gravitational square law, that is F is inversely proportional to the R square, ठीक है? Simple है. पहले आपको क्या करना है, mass हमें consider करना है object का m, वो uniform velocity से घूम रहा है इसीलिए velocity v, and radius इसकी consider करनी है r, okay? Next we have to consider centripetal. अब ये object जो है ये revolve हो रहा है अराउंड इन अ सर्क्यूलर ऑर्बिट, ये क्यों रिवॉल्व हो रहा है, क्योंकि सम काइंड ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर, सो दैट फोर्स इज कंटिन्यूअसली एक्सर्टेड ऑन सच ऑब्जेक्ट एंड कंटिन्यूअसली पुल दैट ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, एंड ओनली ड्यू टू दैट फोर्स दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है? सो दैट फोर्स इज नथिंग बट एम v square upon r. First equation you will get mv square upon r. तो ये v क्या है? v is nothing but the velocity. v is nothing but the speed. तो speed मतलब क्या? speed और velocity is nothing but मतलब distance covered by that planet in a particular time is nothing but the speed. तो distance कितना वो cover करेगा? According to that perimeter. तो यहाँ पे हम ellipse consider करें. ellipse and circle में ज़्यादा difference नहीं. सिर्फ आप circle थोड़ा अगर आप उसे फोर्स अप्लाई करो वो क्या हो जाएगा, इलिप्स, थोड़ा सा सा चपटा हम तो इलिप्स. ऑलरेडी सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, अगर आप ज्योमेट्री में स्टडी करोगे इस साल होगा मे बी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है? एंड इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड a एंड b आर नथिंग बट द कांस्टेंट वैल्यू. तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं, दो दिस इज द इलिप्टिकल ऑर्बिट,
बट वी हैव टू कंसिडर हियर सर्क्यूलर ऑर्बिट. तो सर्क्यूलर ऑर्बिट का पेरीमीटर दैट इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस कितना हुआ 2π. तो इतना वो डिस्टेंस कवर करेगा इन विच टाइम. टाइम उसका कितना होगा, टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन जो हम कंसिडर करेंगे. वही हमें वैल्यू स्पीड के इक्वेशन में पुट करनी है, दैट इज v इज इक्वल टू 2π r डिस्टेंस अपॉन t. यही वैल्यू v की हमें इस इक्वेशन में पुट करनी, फर्स्ट इक्वेशन m. जितनी भी वैल्यू v की है 2π r उसका स्क्वायर अपॉन r. तो उसका स्क्वायर करेंगे हम 4π² r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर अपॉन r. ये जो r है ना, वो r, ठीक है. अब यहाँ पे ये r और ये r एक एक कट हो जाएंगे. व्हाट इज द वैल्यू, 4m π² r अपॉन t स्क्वायर. हमारे पास वैल्यू है बाय यूजिंग द केपलर्स थर्ड लॉ, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k. हमारे पास सिर्फ r है तो उसे r क्यूब बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर. मल्टीप्लाई करेंगे r स्क्वायर से तो ये r एक जो कट हो चुका है, जो वन रिमेन है, r मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर दैट इज r क्यूब और डिवाइड बाय r स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है. ये सब हुए कांस्टेंट में वैल्यू क्या होती है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए हमारे पास, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू. तो ये इसे इसकी उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k. तो हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये फोर वैल्यू कांस्टेंट, m कांस्टेंट, पाई स्क्वायर आल्सो कांस्टेंट. सो व्हाट इज द रिमेनिंग, r square, 1/r square. What is it? Exerted from the center on the object which is revolved around the source, we can say that that force is inversely proportional to the r square. मतलब distance अगर double हुआ, suppose distance अगर double हुआ तो उनमें का force ग्रेविटेशनल लॉ जो है दैट इज द जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी एफ is directly proportional to the g, that is m1 m2 upon r square. तो यहाँ पे अगर mass double हुआ object का, तो उनमें का force भी double हो जाएगा. Clear है? Because force is directly proportional to the m1 m2. Are you getting this point? Are you getting? Force is directly proportional to the m1 m2. That's why अगर mass किसी भी दोनों में से किसी का भी double हो चुका होगा, तो force भी double हो जाएगा. लेकिन अगर distance उनमें double हुआ, क्लियर है, एक का डिस्टेंस डी है, दूसरे का डिस्टेंस ट्वाइस डी हुआ, सो इन सच अ केस द फोर्स विल रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 4. डिस्टेंस डबल हुआ, 2 का स्क्वायर 4, एंड इनवर्स रिलेशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इनवर्स रिलेशन, इसलिए फोर्स रिड्यूस हो जाएगा बाय अ फैक्टर ऑफ 4. यहाँ पे भी हमने वही प्रूव किया है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ठीक है. यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके. यहाँ पे वही सेम हो रहा है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ठीक है. तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन टुडे. वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स एंड देयर इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 4 marks के लिए. व्हाट इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ अ न्यूटन, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r². F is equal to 1/r², ठीक है. नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन. एग्जांपल हम न्यूमेरिकल्स लास्ट में लेंगे. व्हाट इज द हाई टाइड लो टाइड दैट वी हैव टू डिस्कस, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ अ जी. वैल्यू ऑफ अ जी दैट इज अ जी, ग्रेविटी की वैल्यू कैसे वैरी होती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. व्हाट आर द फैक्टर्स those are affecting on such a value that we have to discuss tomorrow. ठीक है, tomorrow भी session होगा at the time 3:00. I will send the link at 3:00. ठीक है, तो हम at least Thursday तक
ये चैप्टर खत्म कर सकते ओके दिस इज द एंड ऑफ द सेशन आप अनम्यूट कर सकते हो आई विल सेंड